बारह ज्योतिर्लिंग से पहले ज्योतिर्लिंग के 2024 में दर्शन होने हैं काशी विश्वनाथ जी के। कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे 2024 में भी बारह ज्योतिर्लिंग करें जैसे कि हमने 2023 में। राम राम जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम दशाश्वमेध घाट पे हैं और अभी नहा लिए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में, अपने इस साल के 2024 के पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के। तो सबसे पहले जो बैग ले रखा है इसको लॉकरों में जमा कराते हैं, फिर अंदर दर्शन करने जाते हैं। भीड़ शायद अभी नहीं मिलेगी। कल रात को 8-9 बजे के आसपास हमने टेंट लगाने का प्लान कर लिया था। हमारे पास एक भाई था, उसके पास 2% टेंट था, तो हम सोच रहे थे 3% उसी में सो जाएंगे। लेकिन फिर बाबा जी से बात हो गई, साथ में पुनीत भाई मोहित भाई थे, उनके साथ स्टे कर रहे थे बाबा जी के साथ, तो उनके साथ बात हो गई, तो उनके साथ स्टे कर लिया। रात को लगभग 2-3 बजे के बाद सोए हैं, 3 बजे के आसपास, और अब सुबह उठ के वहाँ से यहाँ तक आए हैं। वे जाएंगे लेकिन वे थोड़ा सा लेट जाएंगे, हमें आज घर पे जाना है क्योंकि 6 बजे की अपनी ट्रेन है, तो इसलिए अभी दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद आपको एक दो मंदिर और दिखाएंगे, कुछ लोकल फूड दिखाएंगे, और उसके बाद इस ट्रिप को, इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन जो इस साल की यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, उसकी शुरुआत हुई है क्योंकि ये अपना पहला ज्योतिर्लिंग होगा 2024 का। वैसे तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिया, लेकिन 2024 का पहला ज्योतिर्लिंग होगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नई जर्नी को, 12 ज्योतिर्लिंग की जर्नी को। हर हर महादेव। भाई साहब बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, ये पता नहीं हमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना टाइम लगेगा, कोई आइडिया नहीं। यहाँ क्यों भीड़ खड़ा है, लेके जाइए बाहर। अभी यहाँ पे आए हैं भाई, वो अलग लाइन है। A few moments later. लो जी, 3 बजे का टाइम हुआ है और अभी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मेरे सामने देख सकते हो ये लाइन लगी हुई है, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पर आप अपने चप्पल जूते निकाल सकते हो, और फोन आप अंदर लेके आते हो, कॉरिडोर देख सकते हो, अगर आप अंदर फोन लेके आते हो तो आप यहाँ पर जमा करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़े से कम बने हुए इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है अगर भीड़ ज़्यादा आ जाए तो, अगर भीड़ ज़्यादा नहीं आई तो आप आराम से कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक बार लाइन दिखाते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, पानी की सुविधा मिल जाएगी आपको, ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, देखो ये भीड़, ऐसी कुछ भीड़ है भाई। और ये सामने मंदिर है भाई, दर्शन कर लो। एक ये यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर मंदिर है सामने, बिल्कुल आप मंदिर के दर्शन कर सकते हो। और इसके जस्ट बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके ऊपर अभी रोड़ा चला हुआ है। बाकी ये चारों तरफ बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बनाया गया है, हर चीज़ की आप लोगों को सुविधा मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो जी बाहर से आने के बाद लास्ट एक ये लाइन है जो बहुत लंबी लाइन है जिसमें ये घुमा घुमा के रखते हैं, और यहाँ पे लास्ट चेक पॉइंट है मेन गेट से जस्ट पहले, और सामने आप मंदिर देख सकते हो, वहाँ पे मंदिर है और उस तरफ मस्जिद है जो ज्ञानवापी दिख रही है। यहाँ से गेट से मेन एंट्री होगी, और जो आप मोबाइल लेके आओगे या चप्पल जूते होगे वो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से आगे पहन के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे वहाँ पे जगह बनाई हुई, वहाँ पे आप रख सकते हो, और चारों तरफा कॉरिडोर कुछ ऐसा बना हुआ, वैसा बहुत ज़्यादा सुविधा दी गई, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अभी जा रहे हैं वापस पीछे, मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आप मोबाइल लेके आ सकते हो अंदर, उससे अलग हेडफोन हो गया या कुछ चार्जिंग पॉइंट हो, कुछ भी लेके नहीं आ सकते, सारी चीज़ आपको बाहर जमा करानी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर जमा हो जाएंगे। बैग वैग मोबाइल एक अंदर लेके आ सकते हो, अगर आपको अंदर फोटो लेना है तो वो भी नहीं लेना, आपको कोई फोटो का शौक नहीं है तो मोबाइल भी आप बाहर जमा कर सकते हो, और अगर फोटो का शौक है तो आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ पर जमा करा दें, यहाँ पे लाइन में लगे मंदिर में दर्शन करो, दर्शन करने के बाद बाहर आए और यहाँ पे कॉरिडोर में कहीं पे भी खड़े होकर आप फोटो वीडियो ले सकते हो। तो ऐसा कुछ हमने पहले ज्योतिर्लिंग के, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग के 2024 में दर्शन होने हैं काशी विश्वनाथ जी के। कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे 2024 में भी 12 ज्योतिर्लिंग करें जैसे कि हमने 2023 में, बस आप लोग ऐसे ही प्यार से बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। अब
लो भैया इनकी गलत बात है, नो प्लेटफॉर्म के पीछे वहाँ पर दे रखे हैं, नो के बाद कोई प्लेटफॉर्म नहीं। कई बंदे ने पूछा होता ना पता इनके लिए, फिर एक बंदे ने बताया कि जो 10 और 11 है ना साइड में बता रखे हैं, तो अलग से 10 और 11, 10 उस तरफ और 11 तो इस तरफ है, इस तरफ बनाया हुआ है, और जो बाकी 1 से 9 तक है वे वहाँ पर पीछे बने हुए हैं। अगर कोई बंदा बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आए ना तो उसकी छूट सकती है, क्योंकि हमारे में 15 से 20 मिनट इसलिए आ गए, तो ये गलत बात है भाई। ये चीज़ तो है अगर कही अब बस इवा कदे भी कोई प्लान नहीं बनाता इस तरीके से मनोड़े जाना अपने आप बनता और देख ले मूड काम पर बिजी था किससे भी कीमत को वो ना था क्या अभी लिकड़ जा काम पर हम देख ले जर्नल में क्यों गलत दिया है ना देख मैं तो उल्टे भी जस का दे देता है और जाए पीछे कितना मजा आ गया उड़ा ना तो डेली तेरे दुखी हो गए थे फिर मैं कही अब ना